कार्यक्रम को किए और आज समझा जाए तो ये समापन है। और समापन के अवसर पर अलग अलग पैनल में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मुद्दों की, तो मुद्दों को समझेंगे। और अब दूसरे पैनल में जो हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे, मैं सबसे पहले संजीव गुप्ता जी, प्रभात जी, नितिन जी और प्रकाश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा दूसरे दौर की परिचर्चा के लिए। और दूसरे दौर की परिचर्चा में तमाम पहलुओं पर समझेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नीरज जी का, मन्ना जी का और साथ ही लक्ष्मी जी का कि वो पहली परिचर्चा में यहाँ पे शामिल हुई। और इसके बाद में सारिक जी भी आ गए हैं, सूरज जी भी आ गए, मनीष वोरा जी भी हैं, तो दूसरे इसके बाद के पैनल में उनसे जुड़ेंगे। सचिदानंद उपासना जी आने वाले थे और साथ ही देवजी भाई पटेल जी भी अगर आसपास हो तो आ जाए मंच के पास। तो सियासी संग्राम का यह पड़ाव आज राजधानी रायपुर के नगर निगम गार्डन पहुंचा है और जहां पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के जो बड़े मुद्दे हैं उसको हम समझे अपने इस कार्यक्रम के जरिए। और नितिन भंसाली जी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ चुके हैं, संजीव गुप्ता जी भी आ चुके हैं हमारे साथ में, प्रकाश सिंह पांडे जी भी हैं और प्रभात जी भी हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपना अपना अपने अपने स्थान पर आ जाए। और हम दिखाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, कभी रेवरी कल्चर रबरी कल्चर की बात हुई, कभी घोषणा पत्र में ऐसा हुआ कि कोई पार्टी 3100 रख रहा है तो दूसरी पार्टी 3200 रख रहा है। अभी आप देखिए दीपावली का अवसर है और कल ही यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से गृह लक्ष्मी योजना की बात कही गई जिसमें 15,000 सालाना की बात कही गई है, तो बीजेपी यहाँ पे 1200 की पहली ही घोषणा कर चुकी है। तो बहरहाल तमाम पहलू समझेंगे और सबसे पहले मैं संजीव गुप्ता जी के पास चलना चाहूंगा। संजीव गुप्ता जी, इस चुनाव का बहुत नजदीक से देख पा रहे हैं और चुनाव में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को भी आपने देखा, आपको लगता है कि जो जनता के बीच के जो मुद्दे हैं पार्टियां उन नब्ज को टटोल पा रही हैं, पहुंच पा रही हैं उन मुद्दों तक? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे जो आ रहे हैं दोनों घोषणा पत्र में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे किसान का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, महिलाओं को दोनों पार्टियां लेने की कोशिश की, उनको जो भी 12,000 और 15,000 रुपए देने की बात हुई। दूसरी चीजें मुझे समझ में आ रही है कि अभी जो और भी जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे पिछले समय जो वादे हुए हैं पूरे नहीं हुए हैं उसके तमाम तरह की जो पहलुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को चाहे वो कोई भी हो, राजनीतिक दल जो भी हैं वादे करते हैं तो वादे के साथ साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो वादे किस तरह से पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वादे किए गए हैं दोनों राजनीतिक दलों से उस पे बहुत ज्यादा भार आने वाला है हमारे यहाँ के कंडीशन पे, वित्तीय कंडीशन पे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दल को ये साफ कर देना चाहिए कि आने वाले चुनाव में जब भी जिसकी भी सरकार बनती है वो सरकार बनने के बाद वो सारे वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन कैसे जुटाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ये अधिकार है, जनता का अधिकार है और जनता को ये बताना चाहिए राजनीतिक दलों को। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कह रहा हूं कि कोई पत्रकार कह रहा है, ऐसा नहीं है, ये चुनाव आयोग ने भी ये किया हुआ है कि यदि आप वादे करते हैं तो उन वादों को कैसे पूरा करेंगे ये जानने का अधिकार जनता का है। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल आने वाले समय में ये सारी चीजों को बताएंगे। चलिए इसी तौर पर आने वाले दिनों में राजनीतिक दल बताएंगे। नितिन जी, आरबीआई की भी गाइडलाइन है, केंद्र सरकार के अपने गाइडलाइन है, एक तरह से जिस तरह से संजीव गुप्ता जी ने यह कहा कि जो भी स्कीम दी जा रही है उससे जो वित्तीय भार आएगा उसका भी बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा भार ना पड़े। लेकिन बातें यह भी कही जाती है कि छत्तीसगढ़ में जो कर्ज है, क्योंकि कर्ज से ही सीधा लेना देना है कि आप कोई भी स्कीम ला रहे हैं तो कर्ज ले लेते हैं, 6% जो गाइडलाइन है 10% का, छत्तीसगढ़ भी 6% है, बाकी राज्यों में काफी अधिक है, केंद्र सरकार ने भी काफी कुछ लोन ले रखा है, तो आपको नहीं लगता कि इस पे काफी कुछ सोचने की आवश्यकता है? और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कई बार दिशा निर्देश दे चुका है। देखिए जहां पर आर्थिक विकास की बात हो, जहां पर जिस प्रदेश के उन्नति की बात हो, जहां पर किसानों के उन्नति की बात हो, किसानों के गरीबों के मजदूरों के विकास की बात हो, वहां पर कर्ज लेना मुझे नहीं लगता कहीं कोई गलत काम किया है हमने। मैं जनता के सामने आपके चैनल में ये स्वीकार करता हूं कि हाँ हमने कर्ज लिया है, पर हमने कर्ज उन सेठों साहूकारों के लिए नहीं लिया है, मोदी जैसे मित्रों के लिए हमने कर्ज लिया, इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के मजदूरों के लिए, इस प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए कर्ज लिया है। और निश्चित तौर पर आगामी मैनिफेस्टो भी जो हम लोगों ने तैयार किया है, ये सारी चीजों को सोचकर समझकर पूरा एनालिसिस करके हमने वो मैनिफेस्टो को तैयार किया है। और जिस प्रकार
छत्तीसगढ़ आज देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर जिस मजबूती के साथ मजबूत पटल पर खड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले 5 वर्षों में हम इस प्रदेश को इस देश के उन्नत राज्यों में प्रथम पंक्ति पर शामिल कर रहे हैं। चलिए, उन्नत राज्यों में प्रथम पंक्ति की बात यहाँ पे नितिन जी ने कही है। प्रकाश जी, बिल्कुल, देखिए नितिन जी एक राजनेता है और मजे हुए वक्ता है, उन्हें पता है कि किस मंच पर कौन सी बात कितने मेजरमेंट में बोलनी चाहिए। तो इस समय चुनावी वर्ष में जो कि कुछ दिनों बाद ही अंतिम चरण का चुनाव है, तो नितिन जी का यह बोलना बहुत लाजमी है। लेकिन देखने वाली बात है जो आपने कहा कि कितना, देख बोलते हैं ना कि कर्जा लेके घी पीना, कितना कर्ज लेके कितना पियेंगे घी और ये कब तक जाके रुकेगा? क्या एक जो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे जो नागरिक बैठे हैं, क्या मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस वाले भाई साहब बैठे हैं, सब लोग हमारे जो भाई बहन बैठे हैं, लगभग 25,000 रुपए हम एक ऐसे कर्ज में हैं जो हमने लिया ही नहीं, तो इसमें जनता का क्या दोष है? आपको चुनी हुई सरकार ने तो लिया है। देखिए, सरकार चुनी हुई सरकार ने लिया है, लेकिन घोषणा पत्र जब जारी होता है तो वो एक पार्टी करती है, ना कि कोई सरकार करती है। लेकिन उसके पैरामीटर्स होना चाहिए। अब ये कौन सी बात हुई कि हमें अंडमान निकोबार घूमने जाना है और बैंक से लोन ले लें, तो ये समझदारी की बात तो नहीं। लेकिन मनी जनरेशन की बहुत सी पॉलिसीज होती हैं, उसको क्लियर करना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। फ्रीबीज बट रहे हैं, एक वोट की नीलामी हो रही है, तुम 12,000 हम 15,000, तुम 500 हम 600, तुम 3100 हम 3200, तुम 20 एकड़ हम 21 एकड़, ये क्या है? ये देखिए, इन सब चीजों से उठ के अगर हम कैसे किसानों को उन्नत करें, कैसे, भाई मैं बोलता हूँ कर्ज माफी की जगह उन्हें हम ट्रैक्टर दे, उपकरण दे, ताकि वो एक फसल की जगह 3 फसल निकाले, उसके जेब में ज्यादा पैसा आएगा और उसे आदत भी नहीं पड़ेगी और हम कर्ज से मुक्त रहेंगे। ये तो ये एक ट्रेंड हो गया है। अब कोई भी सरकार, किसान तो बोलते हैं, मैं सर्वे किया हूं, अरे हमारा क्या, हमारा तो दोनों हाथ में लड्डू है, अब तो जो सरकार आएगी हमें मुआवजा देगी, हमारा कर्जा माफ करेगी। कई लोग तो बोलते, मेरे घर में कारपेंटर एक दिन काम कर रहा था, अभी हाल की बात है, बोलता है साहब घोषणा पत्र जारी हो गया, मैं जा रहा हूँ दिवाली के बाद लोन ले लाऊंगा। क्यों? क्योंकि माफ हो जाएगा। चलिए, लोन ले रहा हूँ, माफ हो जाएगा, ये जो ट्रेंड है प्रभात जी, आपको नहीं लगता है कि इस ट्रेंड पे सभी को सोचने की आवश्यकता है, सभी राजनीतिक दलों को सोचने की आवश्यकता है? बिल्कुल सोचने की आवश्यकता है। मेरे विद्वान साथी जो बात बता रहे थे, मुझे ये बताना होगा कि एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2017 में, जिसमें ये उल्लेख किया गया है साफ साफ कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें अभी गांव में रहने वाला एक जो व्यक्ति है वो 100 रुपए कमाने के लिए उसको लाले पड़ गए हैं, वो 60 रुपए कमाने के लिए शहर पर निर्भर है और गांव में यदि वो रहता है तो केवल 40 रुपए कमा पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूं वर्तमान जो परिदृश्य है वो राजनीति का चरम जातिकरण हो चुका है और विकास का राजनीतिकरण हो चुका है। ऐसे दौर में जो नागरिक है, और नागरिक अपने आप को कहां पे पा रहा है वो तो नागरिक ही तय करेगा चुनाव में जनादेश के माध्यम से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोन आधारित अर्थव्यवस्था जो है हमें स्वावलंबी भारत की ओर, स्वावलंबी गांव की ओर नहीं ले जा रही है। हमें स्वावलंबन की उस भावधारा को समझना होगा जिसे कांग्रेस भी बोलती है कि हमें गांधी जी से प्रेरणा मिलती है और बाकी अन्य दल भी बोलते हैं कि हमें इनसे प्रेरणा मिलती है। तो हमारा मूल उद्देश्य जो है सत्ता परिवर्तन के माध्यम से क्या रह गया है, सत्ता प्राप्ति केवल रह गया है, अभी तो होना क्या चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए। और वो व्यवस्था में परिवर्तन कब आएगा? जब सभी राजनीतिक दल जो है एक दृष्टिकोण से एक समान प्लेटफॉर्म पे आकर सोचेंगे, और ऐसा कतई देखने में नहीं आ रहा है। लोभ प्रलोभन की जो बातें हैं वो कदाचित कही जा रही हैं, लेकिन जनता अपने आप में अभी भी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में है। उसके आचार विचार में भले हो सकता है कि किसी प्रकार का क्षण प्रतिक्षण प्रभाव आ जाता हो, लेकिन उसकी व्यवस्था यथावत बनी हुई है। उसकी व्यवस्था में यदि हमें आमूलचूल परिवर्तन लाने की यदि आवश्यकता है तो वह यह है कि उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वह हमें बढ़ानी होगी, हमें उसे विकास के वो दौर देने होंगे और हमें जीवन जीने की लागत जो है कम करनी पड़ेगी। अभी जीवन जीने की लागत इतनी ज्यादा है कि एक व्यक्ति को अपना सर्वाइवल करने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है। विकास की राजनीति, राजनीति का विकास, इसको समझ लेते हैं संजय गुप्ता जी, क्या ये विकास की राजनीति ऐसी होती रहेगी या कभी थमेगा भी ये पहिया? देखिए, विकास आप किसको कहते हैं? अगर विकास आपका कहना है कि बड़े बड़े स्टेडियम बना दिया जाए, बड़ी चमचमाती सड़कें हों, बड़े बड़े इमारत हों,
और बहुत ही आलीशान चीजें हो, जैसे आपके सामने अभी बना हुआ है, इस टाइप की चीजें अगर है विकास, तो विकास का एक पहलू है ये। विकास का दूसरा पहलू तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक, जो हमारी हमेशा बात होती रही है कि जब तक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति आप किसे मानते हैं, वह व्यक्ति जिसके पास अभी तक रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं 70 साल के आजादी के बाद भी नहीं पहुंच पाई है, तो ये यहाँ के राजनीतिक दलों को, हमारे जैसे पत्रकारों को, यहाँ के आम आदमियों को जो दोनों वक्त बेहतरीन खाना खा रहे हैं, उनको जरूर ये सोचना चाहिए कि हम तो बेहतरीन खाना खा रहे हैं लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो आप विकास अगर उनको मानेंगे तो मैं तो विकास, समग्र विकास की बात करता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि ठीक है, एक पहलू ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक ठाक हो, लेकिन अगर विकास की बात करेंगे तो उस अंतिम पंक्ति से शुरुआत हो जहां पे विकास पहुंचे। अब लगातार बातें आती है, ठीक है, सारे दल जो है, जैसे प्रभात भाई कह रहे थे कि सारे दल ये दावा करते हैं कि हम जो है गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। अच्छी बात है, गांधी मार्ग पर चल रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने ये कहा था कि विकास की अवधारणा उनके हिसाब से जो है अंतिम पंक्ति से शुरुआत होती है, गांव से शुरू होती है, ग्राम स्वराज और तमाम तरह की जो उनकी जो किताबें हैं अगर उनको थोड़ा सा पलट लिया जाए। मुझे नहीं लगता कि गांधी को पढ़ना लोग पसंद करते हैं आज के डेट में, कुछ सारा चीज बदल चुका है, लेकिन फिर भी जो दावे करते हैं, जो राजनीतिक दल ये दावे करते हैं कि हम गांधी को मानते हैं, वो गांधी को मानने वाले राजनीतिक दल ही, वो सभी राजनीतिक दल दावे करते हैं, तो अगर वो राजनीतिक दल ये थोड़ा सा पलट लें गांधी को, तो उन्होंने ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की थी, जो और भी चीजों की जो परिकल्पना की थी, वो सारी चीजें जो है वो अंतिम पंक्ति से शुरू होकर नीचे से ऊपर की ओर है। विकास जो है ऊपर से नीचे की ओर नहीं है। तो यहाँ पे तो ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों का विकास कर दीजिए, फिर उसके बाद आप स्वीकार कर लीजिए कि विकास हो गया। तो ऐसी चीजें से राजनीतिक दल को बदलना चाहिए। देखिए, मैं बहुत निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी निराश तो होती है सारी चीजों को देखकर, और मुझे आशा है कि सारे राजनीतिक दल जो है इन सारी चीजों पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और पूरा देश जहां अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी का, लेकिन दूसरी तरफ हम आज भी महात्मा गांधी के भारत के सपनों की बात करते हैं। नितिन जी, देखिए, महात्मा गांधी के भारत के सपनों की बात करते हैं ये कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी जो करती है ये छलावा करती है। मुझे तो ये बोलने में भी बड़ा दुख होता है कि बापू की जय जयकार 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को करने वाले लोग नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद बोलते हैं। तो गांधी जी के मुद्दों पे, या सॉरी, गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने की यदि हम बात करें तो वो कांग्रेस ने की। गांधी जी का चश्मा लगाकर एडवर्टाइजमेंट करना और स्वच्छता के नाम पर ढोल पीटना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम हो सकता है, हमारा नहीं। हम विकास की बात करेंगे। हम हमारे प्रदेश में हम देख रहे हैं 2018 के बाद जो माहौल बदला है, आप देख लीजिए, अभी हम जहां पर खड़े हैं अभी भी फटाकों की आवाज आज भी सुनाई दे रही है, कल भी आप देख रहे थे, चाहे फटाकों का बाजार हो, चाहे सोने चांदी के बाजार हो, चाहे टेक्सटाइल मार्केट की बात हो, कपड़ों की बात हो, बर्तन की बात हो, सारे मार्केट में आप देखिए एक फ्लो दिख रहा है, एक भीड़ दिख रही है, एक व्यापार दिख रहा है। व्यापार क्यों दिख रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों में विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने आम आदमी के, किसान के, मजदूर के, गरीब के जेब में पैसा डालने का काम किया है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत वो पैसा उस व्यक्ति तक पहुंचा है। अभी हमारे साथी मीडिया के हमारे भाई कह रहे थे कि अंतिम छोर तक, तो इस सरकार ने इन 5 वर्षों में उस अंतिम छोर तक पहुंचने का काम किया है। तभी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में वोटिंग के समय उन ऐसे 121 गांव में मतदान हुआ जहां पर कभी मतदान दल पहुंच भी नहीं पाते थे और सोच भी नहीं सकता था कोई कि वहां पर मतदान होगा। तो यह है विकास, और हमने विकास पे बात की है और विकास के मुद्दों को लेकर प्रदेश में जो इन 5 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाएं चली, उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच जन आशीर्वाद मांग रहे, और बिल्कुल जो माहौल दिख रहा है, जो हमने नारा दिया है अब की बार 75 पार, ये सफल होते नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, आपकी बार 75 पार, ये कांग्रेस का नारा है, लेकिन नारों के बीच में आपको नहीं लगता कि जनहित के मुद्दे थोड़े से गौण से हो जाते हैं? पार्टियां दोनों कहते हैं कि हम इतनी सीट जीतेंगे, लेकिन मुद्दों को अगर देखा जाए तो डाल डाल में पात पात वाली स्थिति नजर आती है। प्रकाश जी, देखिए, जनहित होता क्या है? जन का हित, लेकिन जन का परिभाषा जो है ना, वो इस राजनीति में बहुत अलग हो गया है। अब स्वहित हो गया है, और जो बोलते हैं ना कि एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसको देखते हुए, मींस परिस्थितियों को देखते हुए, कौन सी योजना ला दी जाए और बोल दी जाए, उसका पैरामीटर क्या है,
आधार क्या है, किस बैकग्राउंड पे उससे बोला जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। लच्छेदार बातें कर दीजिए और बस छोड़ दीजिए, वो जनता का काम है कहाँ कहाँ से कैच करना। संजीव जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि गांधी जी की जो विचार थे, गांधी जी के पुरखे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और गांधी जी की विरासत संभाल नहीं पा रहे हैं। देश में सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी आज देखिए पूरे देश में जिसका राज था आज चंद राज्यों तक सीमित होगी। उसका कारण क्या है? गांधी जी तो शराब के खिलाफ थे ना, शराब बेचने के लिए तो नहीं कहते ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, गांधी जी का एक बहुत अच्छा मूल मंत्र था जो संजीव भाई भी इशारा कर रहे थे, गांव। गांधी जी गांव केंद्रीय विकेंद्रीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और उससे हमें मजबूत करना है। आज गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, शहरों में भार बढ़ रहा है, पलायन रुक नहीं रहा है, तो हम कैसे गांव को मजबूत कर रहे हैं? तो गांव को मजबूत करने के लिए उस किसान ही नहीं, गांव में सिर्फ किसान नहीं रहता है, गांव में तमाम वो व्यक्ति रहता है जो जैसे रहवासियों के लिए वहां किराने की दुकान खोलता है, मोची होता है, नाई होता है। हर व्यक्ति को सशक्तिकरण करने की जरूरत है, और वो कब होगा? जब वो स्वावलंबी बनेगा और जब उसे समझ में आएगा कि हमें ये फ्रीबी गवर्नमेंट के ऊपर जो ये मुफ्त की योजनाएं हैं इस पे निर्भर रहने की बजाय हम आत्मनिर्भर कैसे बने। हम अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं सालाना, तो हम उसे 2 लाख कैसे कमाएं? और सरकार ने आज तक किसी भी सरकार की, मैं कोई कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़ के 8 साल और 15 साल बीजेपी के, किसी ने भी कोई R&D सेंटर खोला है क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर? किसी ने भी कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है क्या? कितनी IT कंपनी आई है यहाँ पे, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने हैं, कितना इकोनॉमिक कॉरिडोर खुला है, कितने यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुले हैं? नहीं खुला है भाई। 1 लाख रोजगार सरकारी देना, इसको थोड़ी सरकार रोजगार बोलते हैं। 1 लाख रोजगार दे देंगे, पूरा छत्तीसगढ़ का 3 करोड़ आदमी बेरोजगारी से बाहर थोड़ी आ जाएगा। चलिए, 23 साल के छत्तीसगढ़ से क्या उम्मीद की जा सकती है वो आप भी समझते हैं कि 23 साल की युवा की क्या सोच होती है। ये जैसे जैसे समय समय आगे बढ़ेगा, जब 28 साल 30 साल तब वो मेच्योरिटी लेवल उस समय कुछ और देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ की। नितिन जी कुछ ऐड करें। देखिए, ये अभी प्रकाश पुंज पांडे जी कह रहे थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात, तो हमने उसी पे तो फोकस किया है। गांधी जी का जो सपना है, गांधी जी के सपने पे ही तो काम हो रहा है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो छोर पे बैठे उस व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिल रहा हो, यही तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। आज छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ का किसान यदि खुशहाल होगा, यहाँ का किसान यदि आर्थिक स्थिति में मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे मार्केट की जो मैं बात कर रहा था, आज देख लीजिए कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में कहीं पर अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ के लोगों के परचेसिंग पावर में कहीं कोई कमी नहीं आई। क्यों? कि यहाँ की सरकार ने आम जनता को, सॉरी किसानों को, मजदूरों को और गरीबों के खातों में सीधा पैसा देने का, उनकी जेब में पैसा देने का काम किया, जिसका फल है कि आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है वो अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। चलिए, अन्य राज्यों से काफी बेहतर है, लेकिन संजीव जी एक समय था जब डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम को लेकर काफी सियासत होती नजर आई, DBT को लेकर दोनों पार्टी अपने अपने दावे करते हैं। आपको लगता है कि सीधे खातों में पैसा देना ठीक है, बीच का जो बिचौलिए थे, जो भ्रष्टाचार होता है उसमें लगाम लगी है, लेकिन सीधे खातों में लेकर एक उम्मीद, एक आस जग गई है लोगों के बीच में कि अब तो सीधे उनके खाते में पैसे आ जाएगा? नहीं, देखिए, ये जो DBT की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी चीजों के प्रति जो बीच में, जो आप कह रहे थे कि बीच में जो पैसा दूसरों के हाथों में जो चला जाता था, वो पैसे में निश्चित तौर पे वो लगाम तो लगा है। अगर आप कोई भी स्कीम का पैसा जो है, चाहे वो किसानों का पैसा हो, दूसरे और भी चीजों का जो पैसा हो, दूसरे स्कीम के पैसे हो, अगर उन पैसों को अगर डायरेक्ट आप उनके खाते में डाल रहे हैं, तो बीच का जो हिस्सा है, जो एक समय में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, राजीव गांधी जी कहते थे कि उनका ये वाक्य था कि 100 रुपए भेजो तो 15 रुपए वहां तक पहुंचता है, तो वो उस चीजों से लगाम तो लगा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ये फायदा तो हुआ है। प्रभात जी, ठीक है, DBT की हमने बात की, और एक समय ऐसा था कि बीजेपी DBT को लेकर बहुत सारे सवाल उठाती थी, फिर उसी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन सीधे खातों में पैसा देना ठीक है। राजीव गांधी ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 19 पैसा पहुंचता है, उसमें सुधार आया है। अब आपको क्या लगता है किस ओर भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ते जा रहा है इन स्कीमों से? नितिन जी ने नारे की बात कही थी, तो मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आ रहा था कि आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं एक शहर के लिए।
लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस तरह से क्षरण हो रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिस प्रकार से लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है, उसके लिए ये योजनाएं ही दोषी हैं। जिन योजनाओं को राजनीतिक दल ये कह के पब्लिक के बीच में जाते हैं, मतदाताओं के बीच में जाते हैं कि हम इसे लागू करेंगे, और ठीक जब चुनाव की बेला आती है, मतदान की बेला आती है, तब तक उन नारों में और उन योजनाओं में इतना फर्क आ गया रहता है कि मतदाता ये समझ ही नहीं पाता है कि ये पार्टी जिसने ये वादा किया था आज वो कितना पूरा वो कर पा रही है। तो आज हम यदि देखें तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस ढंग से सशक्त होकर के और सशक्त आवाज बन करके इन राजनीतिक दलों के माध्यम से आना चाहिए था। ये राजनीतिक दल अपने आप में अब मंथन करें कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो एक तरह से मैंने जैसे पहले कहा था कि राजनीति का जिस ढंग से जातिकरण हो रहा है और विकास का जिस ढंग से राजनीतिकरण हो रहा है वो काफी नुकसानदेह है हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा जब सत्ता में आते हैं तब होना ये चाहिए कि वो समभाव से राजनीति करें, समभाव से राजनीति। अब जाति आधारित जब टिकट बंटवारे होगा तब फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी इस कारण से आ रही है कि राजनीति का ये लोग जातिकरण जिस तरह से कर रहे हैं। और मैं ये देखता हूँ कि विकास में भी अब राजनीति हो रही है। अब कहीं भी आप जाइए गांव में तो जो कांग्रेस के विधायक रहेगा वो भाजपा के लोगों का काम नहीं करेगा, और भाजपा का यदि कोई विधायक रहेगा तो कांग्रेस के लोगों का काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जनता तो ठगी गई ना भाई। पब्लिक तो पब्लिक है, मतदाता तो मतदाता है, उसका आकलन और मूल्यांकन तक मतदाता के रूप में होना चाहिए, एक नागरिक के रूप में होना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि यदि कांग्रेस की सत्ता आ गई तो एक वर्ग जो है वंचित हो जाता है। जबकि मैं जहां तक समझता हूं कि यदि बीजेपी के समय भी होता है ऐसा, बीजेपी के समय में मैं ये कह सकता हूं कि कम होता है। हाँ, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं और जो देखने में आया कि बीजेपी के समय कम होता है, लेकिन मैं ऐसे आसपास की कई विधानसभाओं को गिना सकता हूं जहां पे साफ साफ भेदभाव किया जाता है कि ये फलाना इस राजनीतिक दल का है, अतः इसको ये काम नहीं मिलना चाहिए, अतः इसको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो बताइए आप कि यदि इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से यदि कोई राजनीतिक दल शक्तियों का केंद्रीकरण कर लेगा तो वो तो निरंकुश हो जाएगा, और ऐसे निरंकुश होने की स्थिति में वो जनता को क्या लाभ देगा? तो मेरा ये कहना है कि राज्य पे कोई भी व्यक्ति बैठे वो समभाव से, सद्भावपूर्ण ढंग से वो देखे लोगों को, लेकिन देखने में आता है कि वो अपनी संकीर्ण सोच से, अपने केवल एक दलगत राजनीति के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, और वो ये बताना चाहता है कि मैं अपने लोगों का भी भला कर सकता हूँ, बाकी लोग जो मुझे वोट नहीं किए मैं उनका भला नहीं कर सकता। चलिए, चर्चा करने में और बातें करने में तो बहुत सुखद, बहुत अच्छा लगता है, कर्मप्रिय लगता है, लेकिन धरातल पे और जो सिस्टम में जाने पर ये चीजें गौण सी हो जाती है। एक बात अभी प्रभात जी ने शुरू की थी कि विकास का राजनीतिकरण, अब इन्होंने कहा कि जाति का राजनीतिकरण। आपको लगता है कि भारत में कभी ये खत्म हो सकता है जाति का राजनीतिकरण? ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और ये अब लगता है कि और मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है पार्टियों के अंदर। देखिए क्या होता है कि राजनीतिक दल जो भी है, जो भी राजनीतिक दल है, वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको आम पब्लिक तो बोलते तो हैं पर पब्लिक मानते नहीं। आपकी मेरी हम सब की औकात जो है वो केवल वोट की है, हम वोट हैं, हम इंसान नहीं है। उनके लिए हम तंत्र का तो सबसे बड़ी ताकत तो यही है वोट। वोट ठीक है, वोट लोकतंत्र का ताकत है, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना कि हम इंसान हैं और इंसानगत हमको आवश्यकताओं की जरूरत है। अगर राजनीतिक दल हमको वोट के बजाय इंसान मानना शुरू कर देंगे तो इंसानों के साथ जो व्यवहार होता है वही व्यवहार आम आदमी के साथ होगा। लेकिन दिक्कत होता यह है कि वोट तो अब तय होता है कि वोट किसका कितना ज्यादा है। अगर जिस जाति की जितनी ज्यादा संख्या होगी, जितना ज्यादा वोट होगा, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलें उन जातियों को, उन धर्म को वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी, और यहीं से शुरू होती है जाति और धर्म का राजनीतिकरण, और यही 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 चीजें जो है वो राजनीतिक दल को आकर्षित करती हैं और मजबूर भी करती हैं। संख्या के आधार पर ठीक है, लोकतंत्र में संख्या का इस्तेमाल होता है और संख्या जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोकतंत्र में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप संख्या के हिसाब से सारी चीजों का वर्गीकरण करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी और मेरी औकात जो है वो सिर्फ एक वोट की है। मैं आपके लिए वोट हूँ, राजनीतिक दल के लिए वोट हूँ, इंसान नहीं हूँ। और जिस दिन राजनीतिक दल हमें इंसान समझना शुरू कर देंगी वोट के बजाय, तो वहां से बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। चलिए, वोट और इंसान को लेकर बहुत बारीकी से जो फर्क है जिसको बताने की कोशिश यहाँ पे की। नितिन जी, मैं बहुत खुश हूँ कि प्रदेश में
चुनाव के नतीजे आने से पहले देखिए कितनी अच्छी दिवाली मन रही है। मोदी जी भी आ रहे तो कह रहे तीन दिवाली मनाएंगे, तीन दिवाली, ये हमारे जीत की दिवाली। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इन फटाखों को देखकर। और हमारे साथी ये कह रहे थे कि भेदभाव होता है जिस जगह पर, बीजेपी का सरपंच हो वो ये चाहता है कि बीजेपी के लोगों का ही काम करे, विधायक हो वो यही सोचता है, यही चाहता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन 5 सालों में 1500 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, सांसदों की और वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विशेष स्वास्थ्य योजना में कई लोगों की अनुशंसा है। मैं सोचता हूं जहां तक 200 या 250 आवेदन तो मेरी नजर में भी है, कर्ज माफी में भी ऐसी बात होती है, कर्ज माफी में इनका कर्जा माफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 2000 से अधिक जो नेता है उनका कर्जा माफ हुआ, 3000 से अधिक छोटे बड़े नेताओं ने 2500 रुपए में धान बेचा। तो हमारी सरकार तो सभी के लिए सोचती है। बिजली बिल भी बीजेपी के नेताओं का आधा आता है, बीजेपी के समर्थकों का आधा आता है। अभी 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, अभी 3200 रुपए में हम लोग बीजेपी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का भी धान खरीदेंगे, गोबर भी बेचते हैं ये 2 रुपए किलो में। तो हम तो सबका ध्यान रख रहे हैं और सबका ध्यान रखेंगे, ये भी तय। ये फूटते फटाके हमारी जीत के हैं। मैं प्रदेश की जनता को, यहाँ हम लोगों को जो देख रहे हैं, इन सबको दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और सारे उन त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, मतलब आपका ये कहना है कि जो रिजल्ट आएंगे उसके पहले ही आप मान के चलेंगे जीत सुनिश्चित है। नितिन जी, चलिए प्रकाश जी, एक बात यहाँ पे जो निकल के सामने आ रही थी कि जब एक पार्टी की सरकार होती है तो दूसरे पार्टी के लोगों को काम नहीं मिलता है, ये तो ठीक है, स्कीमों में तो काम चल जाता है, लेकिन काम और जो चीजें होती है, काम खास तौर पे वो नहीं मिल पाती दूसरी पार्टी के लोगों को, उस तरह चिन्हांकित तो किया जाता है। गांधी जी, काम जिनको मिलता है वो सभी सरकारों में मिलता है, ऐसा। एक मुट्ठी भर लोग होते हैं जो सभी सरकारों में काम करते हैं। आप मीडिया में बहुत करीब से बहुत लोगों को जानते हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ जब से बना है एक मुट्ठी भर लोग हैं जो हर सरकार में काम करते हैं और करते रहेंगे। अब मुट्ठी भर लोगों की आपने बात की, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और राजीव गांधी ने जो बात कही थी 1 रुपया बेचता हूं इसमें सफर पहुंचता है, अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आ रहे हैं, वो जो बात करें कि 100 लोगों में आदिवासियों के हितों के फैसले मात्र 0.1% लोग लेते हैं, ओबीसी के 10% लोग लेते हैं, तो ऐसे फैसला कैसे हो पाएगा? क्योंकि जातिगत अब जनगणना की बात तो पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठा रही है, वही मुट्ठी भर लोगों की बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, चुनाव होता ही तो इसके लिए है ना, और संविधान में जो जैसे कहीं रिजर्व सीट होती है, कहीं जनरल सीट होती है, कहीं ओबीसी सीट होती है, वो क्यों होता है? क्योंकि उस वर्ग का व्यक्ति चुन के जाए विधानसभा या लोकसभा में और अपने उस विधानसभा के या उस लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को रखे। तो ये कहना कि चंद मुट्ठी भर लोग फैसले लेते हैं, ये तो वाजिब सी बात है, क्योंकि अब पूरी देश की जो पूरी जनता है वो 140 करोड़ जनता तो जाके लोकसभा या विधानसभा में बैठेगी नहीं। तो चंद जो मुट्ठी भर लोग होते हैं जो चुने जाते हैं, जो फैसले लेते, अधिकारियों की बात होती है, तो सुना भी हो, अधिकारी, देखिए अधिकारी भी तो ऑक्यूपेंसी जितने रहेगी उतने ही इलेक्ट, मतलब उतने ही चुनाव होता है उनका भी, उनको भी उतना चयन होता है, और उसमें भी तो कोटा बना हुआ है ना, कोटा तो आरक्षण तो आज 50% क्रॉस कर चुका है। तो ये कहना कि मुट्ठी भर लोग लेते हैं तो बिल्कुल वाजिब बात है, जब संविधान के रचयिता तो शुरुआती दौर में हुआ ना, अभी जो दौर है वहां ये एक जरूरत आन पड़ी है कि संविधान में कुछ संशोधन किया जाए और कुछ ऐसे क्लॉज डाले जाए, वो भी जनता की रायशुमारी करके। संविधान में बहुत से लेखुना है, बहुत सी कमियां हैं, उन्हें दूर करनी पड़ेगी, और जब तक वो कमियां दूर नहीं होंगी तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो राजनेताओं को मिलता रहेगा, और हर पार्टी आएगी यही बोलेगी कि वो दूसरे का काम नहीं करता, ऐसा नहीं है, काम सबके होते हैं। जहां पे जो व्यक्ति सिस्टम को सेटिस्फाई करता है उसके काम होते हैं, जो सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करता है उसे काम नहीं होता है, और मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है मीडिया भी इससे अछूता नहीं। चलिए, मीडिया भी निश्चित तौर पर सिस्टम है तो सिस्टम से कहां अछूता रह पाएगा। नितिन जी, लेकिन जो बातें आपने सुनी भी होगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो बातें कही कि आदिवासियों के हक के फैसले कितने लोग ले पाते हैं, जो अधिकारी 100 अधिकारियों का रेशियो उन्होंने रखा था, आपको नहीं लगता कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम ऐसी बातें कर रहे हैं? आप जाति जनगणना के पक्ष में है या नहीं? उनका बोलना साफ था कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए, और उनके लिए निर्णय लेने वालों की संख्या भी,
उतनी होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना की बात है भाई, आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये स्कीम जो है इस स्कीम में कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। भाई कब से हम लोग ने लगभग 2014 के बाद से कई बार मोदी जी को ये मांग की है, पत्र लिखे हैं, निवेदन किया है कि भाई आप जनगणना करवाइए। 2011 के जनगणना के आंकड़े भी वो दबा के बैठे हैं, पर न जाने क्यों करवा रहे हैं। तो ये एक जातिगत जनगणना का विषय है और ये होना चाहिए, और कांग्रेस लगातार इस बात को उठाते आ रही है, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को डाला है, जिक्र किया है इसका कि हमारी सरकार बनने पर हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। चलिए, मुझे लगता है प्रभात जी इसमें बहुत बारीकी सी बात रखेंगे, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस है वो जात पात में बांटना चाहती है वर्गों को। पहले हमारे यहाँ जब लोकतांत्रिक अवधारणा की बात हमारे यहाँ जब लोग करने लगे आजादी के बाद से, तो भारत तो हमारा प्राचीन सभ्यताकालीन देश है, सभ्यता मूलक देश है, सभ्यता को उद्गम स्थली है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप एक तरफ भारतीय संविधान में समानता की बात करते हैं, भारतीय संविधान में आप ये बात करते हैं कि भेदभाव रहित संवैधानिक व्यवस्था का परिपालन सुनिश्चित होना चाहिए, और आप दूसरी तरफ क्या करते हैं, अपने ही नागरिकों में एक भेदभाव का दृष्टिकोण पैदा करते हैं। एक तरफ उसी संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों का, संविधान समानता का, और साथ ही साथ सभी को साथ लेकर के चलने के जो भाव है उसका आप उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। तो जातीय जनगणना का मूल उद्देश्य जातीय गणना के माध्यम से समाज में जाति विघटन को बढ़ावा देने का है। इससे समाज विघटन की ओर बढ़ेगा, ना कि संगठन की ओर बढ़ेगा। यदि विघटन की प्रक्रिया बढ़ेगी तो एक समाज में उपद्रव, समाज में एक कहना चाहिए विवाद, और समाज में जिस प्रकार से आप कहना चाहिए वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी, उससे मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। उसे प्रभावित होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने नागरिकों को नागरिक की दृष्टि से देखें, ना कि उसके ऊपर कोई ऐसा चश्मा लगाएं कि ये फलाना है, ये ढिकाना है, इसको ये माना जाए, उसको ये माना जाए। राजनीति चश्मे की अक्सर बात होती है चुनाव में, और इन दोनों देखिए घोषणा पत्र आने के बाद में तो कांग्रेस भी चश्मा लगाकर अपने घोषणा पत्र में बात कर रही है और बीजेपी भी चश्मा लगाकर घोषणा पत्र की बात कर रही है। जी बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था कि दिक्कत यही आती है कि जब तक वोट वाली जो राजनीति रहेगी तब तक ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आपने तय कर लिया है कि फला जो व्यक्ति की संख्या ज्यादा है और वो हमें वोट दे सकते हैं, उनके माध्यम से हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो भी राजनीतिक दल है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको लुभाने की कोशिश करेंगे और वो लुभाते भी हैं। और दिक्कत यही पर शुरू होती है कि अगर सत्ता प्राप्त करने से सारी चीजें हमें मिल जाती है, जैसे लगातार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के नेता, राजनीतिक दल और सारे राजनीतिक दल ये बार बार दुहाई देते हैं, चूंकि हम लोगों की भलाई करनी है, समाज का अच्छा करना है समाज के लिए, तो हमें सत्ता प्राप्त करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी का भला करने के लिए आपको सत्ता प्राप्त करने की जरूरत है, लेकिन ठीक है, सत्ता प्राप्त करने से आप अपनी विचारधाराओं को, आप अपनी बातों को, आप अपनी चीजों को बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं, वो ठीक है, सत्ता प्राप्त करना एक हद तक ठीक है। लेकिन यदि सत्ता प्राप्त करने के लिए एनकेन प्रकार सत्ता प्राप्त करने की अगर आपकी इच्छा हो रही है, समाज में जिसकी वजह से विघटन हो रहा है, उस विघटन को प्राप्त कर, उसको विघटन को बढ़ावा देकर अगर आपकी सत्ता प्राप्त करने की कोशिश हो रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि इससे जाति के बीच में, धर्म के बीच में एक दूसरे धर्म के लोग लड़ेंगे, एक दूसरे के समाज में अगर वैमनस्यता पैदा हो रही है, और अगर उसको बढ़ावा देकर अगर आपके सत्ता प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, तो ये सत्ता प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ये सत्ता की भूख है। चलिए, जो बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। लेकिन अब इस कार्यक्रम में चलते चलते लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए वोट की अपील, एक आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी एक वोट की अपील तो कर सकते, जरूर, क्यों नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, एक व्यक्ति जो अभी तक हम लगातार कह रहे हैं कि आप वोट हैं, तो अपनी वोट को, अपनी मत को पहचानिए और अपनी ताकत को पहचानिए। और मुझे उन लोगों से भी एक अपील करनी है कि जिन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आप चुनाव का बहिष्कार मत करिए। अगर आपको लगता है कि फला व्यक्ति ने आपके खिलाफ, आपके यहाँ विकास नहीं किया है, तो आप उनके खिलाफ वोट कर दीजिए, लेकिन वोट जरूर करिए। नोटा भी होता है ऑप्शन, लेकिन नोटा पे ना दबाए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की ताकत को भी समझे।
बिल्कुल राजीव जी, मैं भी इस आपके इस मंच से अपील करना चाहूंगा जनता जनार्दन से कि जनता जो है जनार्दन है और जनार्दन की भूमिका में वो रहे और अपना मत जो है वो 100% मतदान करे, देश हित में मतदान करे। चलिए नितिन जी, समय की भी कमी, आपको डिबेट में जाना है, एक वोट की अपील। जी निश्चित तौर पर, लोकतंत्र में भारत के संविधान ने 18 वर्ष के युवक और युवती को मतदान करने का अधिकार दिया है। मुझे लगता है प्रदेश की पूरी जनता को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अब मैं ये तो कह नहीं सकता मंच से कि किसको वोट देना है, नहीं तो अभी आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में मैं आ जाऊंगा। पर हाँ, मतदान करने की अपील मैं करूंगा सभी से, और ये बात भी कहूंगा कि यदि आप वोट नहीं देते तो आपको घर पर बैठकर ये गाली देने का अधिकार भी नहीं है कि ये सरकार जो है ये काम नहीं कर रही है। इसलिए अपने मत का उपयोग अवश्य रूप से करें और जागरूक नागरिक बने। प्रकाश जी, बिल्कुल प्रत्येक नागरिक को अपने मतों का अधिकार जो मिला है संविधान द्वारा उसको यूज करते हुए मतदान अवश्य करना चाहिए। कोई भी आपकी जो सोच हो, आप बहिष्कार के बजाय आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई 5 साल में अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो आप बदलिए, क्योंकि नो मीन्स नेक्स्ट होता है, नो मीन्स बंद नहीं होता रास्ता। तो मतदान अवश्य करें और अपनी वोट की ताकत को पहचाने और अपने आने वाले 5 साल के लिए आप अपना भविष्य तय करें, भविष्य भी तय करें, एक मजबूत जनप्रतिनिधि भी दे। तो इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रकाश जी आपका, नितिन जी आपका, संजीव जी आपका, और प्रभात जी कुछ ऐड कर रहे हैं। चलिए प्रभात जी, मतदान अवश्य हो, बिना भय और प्रलोभन के हो। चलिए, बिना भय और प्रलोभन के हो, ये अच्छी बात आपने कही। तो प्रभात जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस सेशन में खास चर्चा के लिए, और बहुत अच्छी चर्चा हुई। दूसरे सेशन के लिए मैं